Assalamualaikum. Good morning, class 5. How are you? It's me here, your English teacher, Shazia. How are you all? I'm fine and I hope you will be fine. So, come to the point. Let us know what we are going to learn today. We are going to conclude our topic, the village headman. As you know, we have read the story. Now we are completing our grammatical portion exercises. This is the last exercise we are going to complete, and today I have chosen the topic for you, the zero conditional. What does this mean, zero conditional? Okay, open your book, page number 84, and as well you need to open your copy. First, draw the margin line, put the date and the day, and write the topic and then subtopic. Clear everyone? Okay, come to the point. What does it mean by zero conditional? Zero conditional, we talk about the things that are true and we are sure about the things. And in this zero conditional, we always use present tense. सिंपल प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, जिसमें आप कोई हैबिट को शो करते हैं, लाइक आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई गो फॉर वॉक एंड आई ऑफर माई प्रेयर एंड आई जस्ट गो टू माई फ्रेंड्स होम एंड आई प्ले माई फ्रेंड्स, लाइक दीज आर सेंटेंसेस फ्रॉम द सिंपल टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस. So, what are the examples of the zero conditional? Did you know? Okay, when we use if at the start of the sentence is called the zero conditional sentence, we are going to write. Clear? Here, sometime we use at the start of the sentence, we will use the if, and sometime we will mid of the sentence we will use the if. Okay, come to the page number 84. If zero conditional sentence में आप उस चीज के बारे में बताते हैं, उन चीजों के बारे में बताते हैं, उस हैबिट के बारे में बताते हैं, साइंटिफिकल इफेक्ट्स के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में आप श्योर हैं कि वाकई ही चीज है, यानी कि जो आपकी नजर में हकीकत है, उसके बारे में आप इसमें बात करते हैं. लाइक आई हैव एन एग्जाम्पल ओवर हेयर दैट इफ वी हीट चॉकलेट, अगर हम चॉकलेट को गर्म करते हैं, इट मेल्ट्स. व्हाट डज इट मीन बाय दिस इज द साइंटिफिक फैक्ट, कि अगर हमें श्योर है कि अगर हम इसको गर्म करेंगे तो वो पिघल जाएगी, डेफिनेटली. ओके, एक और एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल रन्स लाइक दिस. If my mom does not take tea, मेरी अगर मेरी मामा चाय नहीं पीती हैं, तो she feels sleepy. तो this sentence shows the habit. Scientific facts हैं, true things हैं, we are sure about to say, और इसके अलावा उसमें कुछ habits भी हैं जिसके बारे में बताया जाता है, और उसमें हम if का use करते हैं. If जो है वो सेंटेंस के जुमले के स्टार्ट में भी आ जाता है और मिड में भी आ जाता है. ठीक है, सो दिस सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ द टू क्लॉजेस. क्लॉज का मतलब पता है, जुमले के दो हिस्से होते हैं, उसको क्लॉज बोलते हैं. पहले इसी में सब्जेक्ट जो बात कर रहा होता है वो उसकी मेन क्लॉज होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो आता है, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है वो उसकी मेन क्लॉज होती है. क्लियर एवरीवन? Come to the page number 84 and we are going to complete our today's lesson. So, we are going to complete these sentences with the help, with the using of verbs. And what is the verb? Verb is an action word. Like, I am standing in front of you and I am writing on the board and I am speaking, I am reading and I am writing and I am teaching. Whatever act is done by any other person, noun or the pronoun or the called action, words are also called the
वर्ब. क्लियर? ठीक है, द पॉइंट हम वर्ब के थ्रू इसको करेंगे जो भी एक्शन हुए. इफ यू टर्न ऑन अ लाइट, अगर तुम लाइट ऑन करते हो इट गेट्स हॉट. इफ यू टर्न ऑन अ लाइट बल्ब इट गेट्स हॉट. स्टार्ट राइटिंग विथ मी. इट गेट्स हॉट. ओके. इफ द स्टूडेंट्स डैश यूनिफॉर्म द टीचर सेंड्स देम होम. अच्छा, सेंटेंस जब हम लिख रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं या उसको फीलिंग कर रहे होते हैं फीलिंग ब्लैक्स की शक्ल में, तो उसमें जब हम सेंटेंस को रीडिंग करते हैं ना तो 80-90, 90-95% उसमें फीलिंग होती है वो ऑटोमेटिकली हमारे जहन में आनी शुरू होती है क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस हम बता रहा होता है कि सेंटर में क्या होने वाला है. क्लियर एवरीवन? ओके. इफ द स्टूडेंट्स डैश यूनिफॉर्म, इसमें हमने क्या कहा स्टूडेंट्स, इफ द स्टूडेंट्स डैश यूनिफॉर्म में टीचर सेंड्स देम होम. टीचर क्या कर रहे हैं, हमको पनिशमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, पनिशमेंट देता है तो क्या होगा इसमें हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस. इफ द स्टूडेंट्स इसमें क्या रहेगा, नहीं पहनते हैं यूनिफॉर्म. डेफिनेटली इफ दे आर नॉट वेयरिंग द यूनिफॉर्म टीचर सेंड्स देम एट होम. द स्टूडेंट्स डू नॉट वेयर यूनिफॉर्म द टीचर सेंड देम होम. तो उनको पनिशमेंट के तौर पर टीचर को घर भेज. ओके. इफ द रॉबर्ट डैश इज पेन आई लेंड हिम माइन. इफ द रॉबर्ट, ये मैंने आपको बताया इसको हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है तो कैसे होगा, इफ रॉबर्ट, अगर रॉबर्ट हैज गॉट हिज पेन रहेगा, हैज गॉट हैज एंड गॉट, अगर उसके पास उसका पेन है आई लेंड हिम माइन, मैं उसे अपना वापिस ले लूंगा. क्लियर? इफ माई वाइफ कुक्स द मील, अगर मेरी बीवी खाना पकाती है आई डू द वॉशिंग अप, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके बाद मतलब जो नेक्स्ट वर्क है वो बता रहा है आई डू द वॉशिंग अप, तो उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा वो मैं वॉश करूंगा. ओके. माई पेरेंट्स डू नॉट गिव मी पॉकेट मनी इफ आई डू नॉट हेल्प देम. यहां पर क्या आएगा, हेल्प, इफ आई डू नॉट हेल्प देम. क्लियर एवरीवन? ओके. कम टू द नेक्स्ट. प्लांट्स डू नॉट ग्रो. मैंने जैसे कि आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि इफ जो है ना वी यूज फॉर द अश्योरेंस ऑफ व्हाट वी आर गोइंग, हमें पता होता है क्या होने वाला है, हमें चीजों के बारे में पता है, हमें क्या साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में पता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये प्लांट्स डू नॉट ग्रो इफ इट डज नॉट रेन. क्या आएगा, रेन, अगर बारिश नहीं होगी तो प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं करेंगे. आई होप यू विल बी यू विल अंडरस्टैंड. आई हैव मेंशन ओवर हियर द पेज नंबर 84 एंड यू नीड टू राइट ऑन योर कॉपी, राइट नीटली, राइट द इंडेक्स एंड राइट द डायरी. इफ यू फील एनी एम्बिग्विटी एनी प्रॉब्लम यू हैव द बुकलेट फ्रॉम द स्कूल एंड यू कैन कंसल्ट फ्रॉम देयर. अ लॉट ऑफ वर्ड्स, अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस आर गिवन देयर, you can learn from there and you can write from there. Okay, today we have completed our topic, completed our the unit. So nice of you, I hope you will be understand. Thank you.